और यहाँ से जो है जंगल की शुरुआत होती है, पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। मुख्य रूप से जो है सूपा बनाने का ही काम चल रहा है घर में चारों ओर। और जीवन यापन तुम्हारा मुख्य का काम करता तुम खास? एक काम है सर, बांस शिल्प, बांस से बना था। हाँ, सूपा और सूपा बने हैं ना, बांस शिल्प ही है मुख्य काम हो। हाँ। तो इला कहाँ बेस था? इला व्यापारी बाहर से आते हैं सर। सूपा ही बस बना था कि कुछ टोकरी वगैरह बांस के वो कुछ नहीं बना? तो घर से जीवन यापन हो जाते तुम्हारे? भूखे दुखे। अच्छा, बहुत सारी कहानियाँ बनती है दोस्तों, बहुत सारे वीडियो बनते हैं, आप लोग के सामने बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जल जंगल ज़मीन होते हैं और उनमें रहने वाली जो जनजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित वीडियोस आप लोग के सामने नहीं आ पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवाओं के बारे में बताने वाला हूँ, उनसे रूबरू कराने वाला हूँ, उनके जीवन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी रोचक होगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके रहन सहन, खान पान, उनके कल्चर्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक विशेष पिछड़ी जनजाति है पहाड़ी कोरवा, जो छत्तीसगढ़ में ही जंगलों में निवास करते हैं, जिनका जो मुख्य लोग हैं मुख्य धारा से काफ़ी दूर रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग को पहाड़ी कोरवाओं के बारे में बताएंगे, उनका जल जंगल ज़मीन, उनका रहना सहना कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में जो पहाड़ी कोरवा लोगों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ वह रैनखोल सक्ती जिला के हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन में, झांकते हैं, जानते हैं कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे वह हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो कुछ गिन चुन के ही जो घर हैं इसी में रहते हैं और उस समय के राजा के द्वारा जो है बसाया गया था ऐसा कहते हैं, और तब से जो है आज तक अभी तक यहाँ बस लोग रहते हैं। इस प्रकार से आप लोग घर देख सकते हो और इन लोग का जो मुख्य काम है वो बांस शिल्प जिसको बोलते हैं, बांस से टोकरी बनाना, सूपा बनाना, ये सारे काम जो है करते हैं लोग। और यहाँ से जो है जंगल की शुरुआत होती है, पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया, और मुख्य काम जो है सूपा टोकरी बनाना ही, बांस शिल्प जो है मुख्य काम है। आ जाओगे अंदर? मुख्य रूप से जो है सूपा बनाने का ही काम चल रहा है घर में चारों ओर। हाँ। का नाम लिखता था? धनीराम। पूरा नाम? धनीराम। धनीराम पूरा नाम? हाँ। अब आगे होकर खाली पैन नाम धनीराम। तो मतलब सर ने वगैरह कुछ नहीं लगा जिससे? पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा ही लिखता तुमने? हाँ। अच्छा, तो कब से रहा था यहाँ? यहाँ हमन के ना पूर्वज से रहा। पूर्वज से? मतलब कितना साल हो गया लगभग? माने कि दादाजी हैं गुजर चुका है। अच्छा अच्छा, हम और राजा जमाने के। अच्छा, वो शक्ति वाला राजा। हाँ, तब से आ रहा था। और जीवन यापन तुम्हारा मुख्य का काम करता तुम खास? एक काम है सर, बांस शिल्प, बांस से बना था। हाँ, सूपा और सूपा बना। तो इला कहाँ बेस था? इला इला व्यापारी बाहर से आते हैं सर जी, तो वो व्यापारी भी लोग जाते हैं। अच्छा, आओ व्यापारी नहीं आते हैं ना तो खास सामान जैसे गवाई। अच्छा, घूम घाम के बेच देता, बिक्री कर लेता। तो कितना बेचता? एक था सुपर 100 रुपये सर। सुपर ही बस बना था कि कुछ टोकरी वगैरह बांस के वो कुछ नहीं बना? तो घर से जीवन यापन हो जाते तुम्हारे? भूखे दुखे। अच्छा, तो मतलब यहाँ सुविधा है बाकी सब चीज़ की, बिजली पानी सब यहाँ तो मतलब मिलते हैं अच्छे से? हाँ, अभी तो
मिला थे सर ये अभी ये टंकी लगे है और अच्छा ये सरकार बना के दी हाँ सरकार बना के दे है और ये घर ला और ये घर ला ये हाँ वो ये आवास अच्छा आवास वाले हाँ, मतलब बनाए वाले हैं और ये शौचालय वगैरह सब विच में हाँ, साथ में बने हैं हाँ, ठीक 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 तो ये खाली एक ऐसी के बनी सुना है तो बाकी हाँ, एक एक बात करो नहीं माने कि पहाड़ी पर जितना मोहल्ला नाम तो सबके दवाई होगी ना नाम के सबके दवा बाकी एक आदमी के बनी से हाँ वही बने हैं कोई नहीं बने हैं सर और बाकी सबकी सुविधा किसी प्रकार के मतलब परेशानी वगैरह थोड़ी है इसे कहा हाँ परेशानी तो सर जी अब गरीब आदमी के होने छोना है का जो हाँ हाँ यहाँ से तुम्हें विस्थापन वगैरह नहीं चाहता तुम्हें यही रहना चाहता कि यहाँ से बाहर भी जाना नहीं 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 यही ठीक है बस यहाँ है हमारे दादाजी ना यहाँ बैठा रहे हैं अच्छा वो तरफ से बैठे बैठे हाँ गुजराथन का अच्छा 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 और यहाँ स्कूल भी हाँ नहीं मतलब शहर से पास में रही है तो वहाँ ज्यादा अच्छा वो रहते है ना जीवन है और सब चीज की सुविधा ज्यादा रहती है और यहाँ तो मतलब मुश्किल हो थोड़ी अधर में वो जैसे पहाड़ दिखता थे है ना ओकर माथा में जीवन यापन वो गुजर बसर करीन सर जी वही ना हाँ हमन के तो और रहे बसे वह हमन झाला कुंद्रा बना रहे थे तुमन के हाथी ला तुमन सकेला ये तो हमार मकान लगते और टार के लग जाते ऐसे पहले यहाँ जगह दी अच्छा तो आप लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ धनीराम जी का परिवार जो है बहुत ही छोटे स्तर पर जो है बांस शिल्प का कार्य करता है जिसमें वो सूपा का निर्माण करते हैं और उन्हीं से उनका जो है गुजर बसर होता है। ऐसे जंगलों में रहने पर और ख़ास करके कम पढ़े लिखे होने पर उनको जो है रोज़गार की ज़्यादा जो है सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद भी उनका परिवार और उनका जो समाज है उनकी कम्युनिटी है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। अभी हम लोगों ने उनके काम उनके जीवन के बारे में जाना और कैसे वह इस जगह पर आए इस जंगल ज़मीन में रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जाना। उनका खान पान उनका रहन सहन भी बाकी जो धारा से रहते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। घर बने हुए हैं और 10 से 12 घर जो है यहाँ लगभग पहाड़ी कोरवाओं के हैं और बाकी अलग अलग जो है जाति वालों के हैं। तो जंगल के पास रहने वाले और सारी सुविधाएं जो है अभी भी इन तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ जो पानी बिजली की सुविधाएं हैं वो तो यहाँ पहुंच गई है लेकिन इनके जो काम के साधन है वो ज़्यादा नहीं है और सिर्फ जो है सूपा और बांस से बनी हुई चीज़ें बेचकर ही उनका जो है जीवन यापन होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रैनखोल सक्ति जिला में रहने वाले कुछ जो पहाड़ी कोरवाओं जनजाति का जो समूह है उनके घर उनके काम उनके रहन सहन के बारे में जाना। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेष पिछड़ी जाति और भी बहुत सारी जातियाँ जो है छत्तीसगढ़ में रहती हैं जिनके बारे में उनके रहन सहन उनके कल्चर के बारे में लोगों को नहीं पता है। अभी आने वाले कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं यही कोशिश करूँगा कि उन सभी जनजातियों उन सभी लोगों के बारे में आपको बताया जाए ताकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता चले उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। आज रोज़गार की सुविधा रहन सहन की सुविधा उनके पास भी होती तो वो भी आज मुख्य धारा में जैसे लोग रहते हैं उनके समान होते लेकिन इन्हीं सभी में कमी के कारण आज वह कम पढ़े लिखे रोज़गार से वंचित हैं। इतनी सारी विषमताओं के बावजूद भी दोस्तों यह कम्युनिटी और ऐसी बहुत सारी और जनजातियाँ बहुत सारी और अन्य कम्युनिटियाँ अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं और यहाँ रैनखोल के लोगों को भी अच्छी सुविधाएँ यहाँ दी जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस जनजाति से संबंधित उनके रहन सहन खान पान से संबंधित मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। यह पहला प्रयास था ऐसा एक वीडियो बनाने का जो कि मेरे चैनल से काफ़ी अलग था। आपको और आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोस आप लोग देखना चाहते होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय।